हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट का फ़िक्चर है वो कैसे ड्रॉ करते हैं उसी का ये पार्ट टू है एक्चुअली इस क्लास में थोड़ा पिछले क्लास से डिफरेंस है और डिफरेंस ये जो हम फिक्सर ड्रा करेंगे वो पिछले जो हमने क्लास में डिस्कस किया था उससे थोड़ा डिफरेंस है अब तो डिफरेंट क्या है वो ये है कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वो भी नॉकआउट टूर्नामेंट का ही फिक्सर हम ड्रा करेंगे लेकिन डिफरेंस इज़ दैट कि होता है क्या है कि अगर नंबर ऑफ टीम्स लार्ज हो ओके okay? अगर ये जो है नंबर ऑफ टीम्स अगर ज्यादा हो जाए तो उस केस में फिक्सर ड्रॉ करने का जो रूल है थोड़ा सा चेंज होता है तो इसके रिगार्डिंग आज का क्लास है ओके okay? तो लेट्स प्रोसीड द क्लास हम यहाँ आज देखेंगे इस चीज़ को कि जैसे हम पीछे क्लास में क्या देखा था कि जो एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ना तो उसमें नंबर ऑफ टीम्स अगर लेस है कम है तो उसको जब हम फिक्स ड्रॉ करते हैं तो उसको टू हाफ़ में टीम को डिवाइड करते हैं राइट अपर हाफ़ एंड लोअर हाफ ओके सो लेकिन अगर टीम लार्ज हो लार्ज मीन्स कि नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा हो ज़्यादा मीन्स कि यू कैन से कि ट्वेंटी से वो हो वैसे तो लिमिट बताया गया कि फोर्टी से अगर ये इक्वल हो या फोर्टी से ज़्यादा हो बट अगर 23 या 24 ऐसे भी टीम आता है तो उसका फिक्सर आप ड्रॉ कर सकते हो और इस बेसिस पे जो मैं अभी आप आज आपको बताने वाला हूँ तो इसमें क्या होता है कि अपर हाफ्स और लोअर हाफ्स जब लेस नंबर हो ऑफ टीम नंबर ऑफ टीम अगर लेस हो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ लेकिन अगर नंबर ऑफ टीम मोर देन ट्वेंटी टू या फोर ऐसे ज़्यादा हो जाए तो इन दिस केस हम क्या करते हैं उस अपर हाफ़ और लोअर हाफ़ को भी सब डिवाइड करते हैं आई मीन अपर हाफ को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं सब डिवाइड करते हैं उसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं और सेकेंड क्वार्टर और लोअर हाफ जो था उसको भी दो सब डिवाइड -div करते हैं उसको तो जो नीचे लोअर हाफ का जो सब डिवीजन हुआ उसको हम थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर बोलते हैं राइट एनी वे इसको और क्लियर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं राइट right? जैसे आप एग्जाम्पल से समझो इस वेरी क्लियर हाफ हो जाएगा कि सपोज यू हैव टू ड्रॉ अ फिक्सर यू हैव ड्रॉ अ फिक्सर ऑफ ट्वेंटी थ्री टीम्स एक नंबर ऑफ टीम थोड़ा ज़्यादा है ठीक है और ये जो फिक्सर ड्रॉ करना है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट बेसिस पे आपको ड्रॉ करना है तो मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था वो आप वीडियो अगर आप देखें तो मच बेटर फॉर यू बट इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें इसको आप समझ जाएंगे फिक्सर ड्रॉ करने के लिए जो बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो पहले हम कलेक्ट करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वो हम फिक्सर जो है फ्लो चार्ट वो हम ड्रॉ करते हैं तो पहले हम बेसिक चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल टीम्स कितने हैं ट्वेंटी थ्री है दैट इज़ ऑर्ड नंबर ये थोड़ा ध्यान रखेंगे ट्वेंटी थ्री क्या है ऑड नंबर है अच्छा तो अगर ऑड नंबर होता है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे एन माइनस वन दैट इज़ द फॉरिंग तो एन यहाँ पे क्या है ट्वेंटी थ्री है माइनस वन दैट इज़ ट्वेंटी टू सो नंबर ऑफ़ टोटल मैचेस कितने होंगे यहाँ पे कितने होंगे ट्वेंटी टू होगा टोटल ट्वेंटी टू आई मीन ट्वेंटी सेकेंड जो मैच होगा वो फाइनल मैच होगा ओके okay? अच्छा अब यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ जो पूरे टीम को हम दो ग्रुप में पहले डिवाइड करेंगे तो अपर हाफ का जो नंबर ऑफ टीम है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे चूंकि यहाँ पर जो दिया हुआ नंबर ऑफ टीम है दैट इज़ ऑट नंबर तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे अगर ये नंबर इवन नंबर होता तब तो ईजी था सपोज ये ट्वेंटी टू होता तो अपर हाफ में अलेवन टीम आता लोअर हाफ में अलेवन टीम आता लेकिन ये चूंकि ट्वेंटी थ्री है दैट इज ऑड नंबर तो इन दिस केस वाट वी डू इन दिस केस वी अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द अपर हाफ नंबर ऑफ टीम्स एंड लोअर हाफ नंबर ऑफ टीम्स ओके सो एन प्लस वन अपॉन टू अपर हाफ का तो यहाँ पर एन कितना मेरा ट्वेंटी थ्री प्लस वन अपॉन टू दैट इज ट्वेंटी फोर अपॉन टू दैट विल बी इक्वल टू ट्वेल्व आई मीन अपर हाफ का टीम ट्वेंटी ट्वेल्व होगा सिमिलरली लोअर हाफ में कितना हो जाएगा एन माइनस वन अपॉइंट टू तो ट्वेंटी थ्री माइनस वन अपॉइंट टू दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट टू दैट विल बी इक्वल टू अलेवन लोअर हाफ का टोटल टीम अलेवन होगा ओके नाउ नंबर ऑफ बाइज बाइज हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसका भी हमें बाइज देना होता है हमने पीछे क्लास वन में डिस्कस किया था कि नॉकआउट टूर्ना में बाइज दिया जाता है क्यों दिया था क्यों दिया जाता है, दिया जाता है? दिया जाता है? कैसे दिया जाता है ये हम डिटेल में पिछले क्लास में डिस्कस किया था एनीवे anyway, वे नंबर ऑफ बाइज जो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ कितना होगा अगर ट्वेंटी थ्री टीम है तो तो चूंकि नंबर ऑफ टीम जो है और नंबर है राइट तो नंबर ऑफ बाइज को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है कि जो ये ट्वेंटी थ्री जो है इसको हम टू के पावर में नहीं लिख सकते और टू का जो पावर होता है नंबर ऑफ टीम अगर इसको हम टू के पावर में लिख लेते राइट right? तो इसका जो पावर होता है वही नंबर ऑफ बाइज होता बट ये ट्वेंटी थ्री एक ऐसा नंबर है जिसको टू के पावर में हम नहीं लिख सकते तो इस केस में हम नंबर ऑफ बाइज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ट्वेंटी थ्री का जस्ट आगे वाला वो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं जिसको टू के पावर में लिख सकते हैं दैट नंबर इज थर्टी टू थर्टी टू को हम टू के पावर में लिख सकते हैं ओके okay? अब थर्टी टू से फिर हम सब टैक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ टीम को दैट इज थर्टी टू माइनस ट्वेंटी थ्री ये हमारा जो आएगा नाइन बैक इज द नंबर ऑफ बाइज मतलब टोटल फर्स्ट राउंड में जो बाइस दिए जाएंगे नाइन टीम को बाइस दिए जाएंगे मतलब नाइन नौ ऐसे टीम होंगे जिसको पैसिव बनाया जाएगा नौ ऐसे टीम होंगे जो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगे ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ बाई अच्छा नाउ हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बाइज इन द अपर हाफ अब अपर हाफ में नंबर ऑफ जो टीम्स हैं नंबर ऑफ बाईज बाइज हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ हमने टीम्स कैलकुलेट किया था राइट अभी बाईज ऊपर वाले टीम को अपर हाफ को कितना दिया जाएगा दैट इज़ एन बी माइनस वन नंबर ऑफ बाइज माइनस वन अपॉन टू तो नंबर ऑफ बाइज कितना मेरा अभी है नाइन माइनस वन अपॉन टू दैट इज एट अपॉन टू दैट इज़ फोर अपर हाफ में नंबर ऑफ बाइज कितने दिए जाएंगे फोर अगेन लोअर हाफ में नंबर ऑफ बाइज कितने होंगे दैट इज़ द फॉर्मूला नंबर ऑफ बाइज एन बी प्लस वन अपॉन टू दैट इज एन नंबर ऑफ बाइज मेरा कितना आया नाइन तो नाइन प्लस वन अपॉन टू दैट इज टेन अपॉन टू ओके दैट इज फाइव तो लोअर हाफ में हमें कितने वाइस देना है फाइन ओके okay, अब वो हम निकालेंगे कि चूंकि मैंने बताया शुरू में आपको कि जो अभी जो हम नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सर ड्रॉ कर रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टीम्स क्या है ज़्यादा है ओके ट्वेंटी थ्री है ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे अपर हाफ और लोअर हाफ को भी अब हम सब डिवाइड करेंगे दैट इज अपर हाफ को टू सब डिवाइड करेंगे और लोअर हाफ को भी टू पार्ट में सब डिवाइड करेंगे राइट right? तो अपर पार्ट जो होगा अपर हाफ का जो दो पार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर तो उसमें नंबर ऑफ टीम कितने होंगे तो हमने अभी देखा पहले कि अपर हाफ में नंबर ऑफ़ टीम टोटल हमारा कितना है ट्वेल्व बारह तो अब वो चूँकि ट्वेल्व जो है एक इवन नंबर है तो अब इसमें भी हम इसको सब डिवाइड कर रहे हैं दो सब डिवीज़न में इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर अपर हाफ में जो सब डिवीज़न का पहला सेक्शन आई मीन फर्स्ट क्वार्टर जो होगा उसमें नंबर ऑफ टीम कितना हो जाएगा ट्वेल्व व पॉइंट टू चूँकि पहले हमने देखा कि अपर आप हाफ का टोटल नंबर ऑफ पिन कितना था ट्वेल्व था तो ये इवन नंबर है तो इक्वली हम डिवाइड कर देंगे दोनों क्वार्टर में तो ये हो जाएगा मेरे कितना सिक्स और इसमें भी सेम थिंग इसमें भी सेम क्यू इसमें भी सेम थिंग ये है कि इसमें भी हम देख लेंगे इसका कितना है ट्वेल्व पॉइंट टू होगा तो ट्वेल्व पॉइंट टू सिक्स दैट इज सिक्स मतलब फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में सिक्स सिक्स नंबर ऑफ टीम एंड अब आते हैं जो लोअर हाफ था उसमें थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है तो इसमें नंबर ऑफ टीम चूँकि हमने देखा पीछे कि नंबर ऑफ टीम ऑफ लोअर हाफ इज इलेवन दैट इज ऑड नंबर राइट तो ऑर्ड नंबर अगर है तो उस केस में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको सब डिवाइड करने के लिए थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में तो यहाँ पर एंड जो है मेरा एलेवन होगा वन अपॉन टू दैट इज सिक्स ट्वेल्व अपॉन टू सिक्स ओके एंड दैट इज इलेवन माइनस वन अपॉन टू दैट इज फाइव ओके तो हमारा जो नंबर ऑफ टीम थर्ड क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में सिक्स और फाइव हो जाएगा एक लास्ट टिच और हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद हम फिर से फाइनली ड्रा करेंगे इसका मैप फ्लो चार्ट हम ड्रा करेंगे लेकिन इसके पहले राउंड्स तो राउंड्स निकालने के लिए मैंने बताया था आपको पहले भी वीडियो में कि राउंड्स कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम जो है यहाँ पर मेरा टोटल नंबर ऑफ टीम कितना 23 है ट्वेंटी थ्री है राइट तो ट्वेंटी थ्री चूंकि ये टू का पावर में नहीं है तो इसका जो टू का पावर आने वाला जो नेक्स्ट नंबर है ट्वेंटी थ्री के बाद वो है थर्टी टू और थर्टी टू को हम जब टू के पावर में लिखेंगे दैट इज़ दैट मीन भी इट विल बी रिटेन इन दिस फॉर्म टू रेज टू द पावर फाइव थर्टी टू पर हम कैसे लिखेंगे लेकेम में तो यहाँ पे जो पावर होता है ना टू का पावर वही नंबर ऑफ राउंड्स होता है तो यहाँ पर फाइनली नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे पाँच मतलब ये कि टोटल जो मैच होगा सभी टीम के बीच में वो पाँच मैच होंगे वो पाँचवा मैच जो होगा वो फाइनल मैच होगा पाँचवा राउंड फाइनल मैच का होगा और फिक्सर इसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो हम फिक्सर बता रहे हैं आपको ये आपके एग्ज़ाम परपज़ से वेरी इंपॉर्टेंट हैं राइट और आपके आने ही आने हैं ट्वेल्थ जो फिज़िकल एडुकेशन का आपका एग्ज़ाम होगा फाइनली उसमें ये आने ही आने हैं क्वेश्चन फॉर लॉन्ग टाइप भी आने हैं और शॉर्ट टाइप भी इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से ड्राइव होता है ये जो फॉर्मूलेज आप देख रहे हो ना यहीं से ऑब्जेक्टिव भी ड्रॉ कर लिया जाता है और सब्जेक्टिव uh, क्वेश्चन तो फिक्सर आपका आना ही आना है ओके okay? सो so, हम अब आगे आपको दिखा देते हैं कि इसका फ़िक्सर हम कैसे फाइनली ड्रॉ करेंगे ओके जिनको अगर ये क्लियर नहीं है या फिर वंस मोर वो देखना चाहते हैं तो आप नीचे मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ इसका पी है और पिछले क्लास का जो लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दिया है तो वहाँ आप देख सकते हो आप उसको पी भी मिल जाएगा और उसका लिंक पिछले क्लास में आप देख सकते हो और आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा ओके तो चलते हैं हम इसका फ़िक्सर हम ड्रा करके आपको बताते हैं ओके तो हम आते हैं अब देखते हैं इसका फीचर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं राइट तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स हमारे कितने थे ट्वेंटी थ्री तो वन से वन टू ट्वेंटी थ्री हमने यहाँ लिख लिया नंबर ऑफ़ टोटल जितने भी टीम्स से लिख लिया ट्वेंटी थ्री अच्छा अभी चूँकि इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना अपर हाफ एंड लोअर हाफ अपर हाफ एंड लोअर हाफ़ तो हमने अभी कैलकुलेट किया था पीछे अपर हाफ़ में टोटल हमारे कितने हैं ट्वेल्व टीम आएंगे और नीचे में अलेवन ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन एलेवन टीम नीचे ओके okay? अच्छा अब चूंकि ये बड़ा नंबर ऑफ टीम्स है ज़्यादा लार्ज नंबर में है तो इसको हम सब डिवाइड करेंगे क्वार्टर में डिवाइड करेंगे तो इसके लिए भी हमने अभी कैलकुलेट किया पीछे कि जो अपर हाफ़ है दैट इज़ अपर हाफ़ इसको भी हम दो क्वार्टर में डिवाइड करेंगे फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर तो सेकेंड चूँकि ये न टोटल नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में जो ट्वेल्व है दैट इज इवन नंबर तो दोनों क्वार्टर में कितना इक्वल इक्वल नंबर ऑफ टीम जाएगा इसमें सिक्स टीम आएगा इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टीम इसमें आएगा सेकेंड क्वार्टर में अब नीचे हम देख लेते हैं क्योंकि नीचे में जो टोटल नंबर ऑफ टीम एलेवन है वो ऑन है तो इसमें जो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो पीछे हमने आपको अप्लाई करके बताया एन नंबर एन बी माइनस वन पॉइंट टू और एन बी प्लस वन अपॉन टू उस बेस पे हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो आप थर्ड क्वार्टर में कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स आएंगे टीम और इसमें कितने आएंगे फाइव वन टू थ्री फोर फाइव राइट अब नंबर ऑफ बाइज जो है बाइज हमने कितना कैलकुलेट कैलकुलेट कि, किया था टोटल नाइन तो नाइन को हम अब डिवाइड करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किस किस टीम को फर्स्ट राउंड में बाई देना है तो टोटल हमारे पास बाइज कितने हैं नाइन तो नाइन को आप uh, तो अपर हाफ में जो बाई हम देंगे वो टोटल कितने बाई होंगे अपर हाफ़ में बाई फोर होंगे और नीचे में टोटल बाई फाइव होंगे नाइन को हमने कैलकुलेट करके देखा था अपर हाफ़ में फोर बाइज और नीचे जो लोअर हाफ़ है उसमें फाइव बाइज देने हैं हम तो अब अपर हाफ में जो फोर बाइज है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो यहाँ देखते हैं तो अब यहाँ पर क्या है? आपको समझना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वो अपर हाफ़ का अपर पार्ट है और जो सेकेंड क्वार्टर है वो अपर हाफ का लोअर पार्ट है क्लियर तो बाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन पीछे वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी करेंगे सबसे पहले इसमें क्योंकि हमें टोटल कितने बाइज देना है फोर फोर बाइज देना है ना तो फोर वाइज में जो पहला वाइज दिया जाता है वो लोअर हाफ का फर्स्ट अपर हाफ का जो दो सेक्शन है इसका अब अपर हाफ कौन है फर्स्ट क्वार्टर और लोअर हाफ सेकेंड क्वार्टर है तो लोअर हाफ का जो लास्ट टीम है उसको फर्स्ट बाई दिया जाएगा और सेकेंड बाई अपर हाफ़ का जो फर्स्ट टीम है उसको दिया जाएगा थर्ड बाई लोअर हाफ का फर्स्ट टीम को तो लोअर हाफ आई मीन थर्ड क्वार्टर का पहला टीम कौन है सेवन नंबर इसको तीसरा बाई मिलेगा और चौथा जो बाई मिलेगा अपर हाफ़ का लोअर टीम को मतलब लास्ट टीम को तो सिक्स नंबर टीम जो है अपर हाफ फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट टीम है तो फोर्थ बाई इसको मिला सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट हम नीचे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सेम कॉन्सेप्ट पहला जो बाई मिलेगा लोअर हाफ का जो जो सबसे लास्ट टीम होगा उसको मिलेगा तो ट्वेंटी थर्ड वाले को क्या मिलेगा फर्स्ट बाई और यहाँ पे जो सबसे अपर हाफ़ का आई मीन थर्ड क्वार्टर का जो पहला टीम है उसको सेकेंड बाई फिर लोअर हाफ का जो फर्स्ट टीम है उसको थर्ड बाई और इसी तरीके से अपर हाफ का लास्ट टीम को फोर्थ बाई फिर नीचे ट्वेंटी सेकेंड नंबर को उसी रूटीन में हम करेंगे तो फिफ्थ जो बाई यहाँ मिले ये यह बाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब इसके बाद आपका गेम इजी है आप ये काम आप फर्स्ट राउंड का अगर आप अरेंज कर लेते हो आप समझ लो आगे आगे आपको कुछ करना ही नहीं है आपने बस फ्लो चार्ट खींचना है देखो अब फर्स्ट राउंड में कौन कौन कितने टीम बैठे हुए हैं नहीं खेल रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके यकीन यहाँ नाइन नाइन टीम को बाई मिला हुआ है मतलब वो नहीं खेल रहे हैं तो जो जो खेल रहे हैं उनके उनके बीच का मैच को हम क्या करेंगे फ्लो चार्ट से दिखा देंगे लाइक like, ये पहला मैच यहाँ पे होगा सेकंड और थर्ड के बीच में फोर्थ फाइव के बीच में सेकंड मैच अब ये फो ये सिक्स सेवन तो ये सिक्स तो ओपन इसका बिच अभी ये बाई मिला है तो नहीं खेलेगा फर्स्ट राउंड में अच्छा एट नाइन के बीच में थर्ड टेन अलेवन फोर्थ ये बाई मिला हुआ है फोर्थ फिफ फोर्टीन फिफ्टीन में फिफ्थ मैच सिक्सटीन सेवनटीन सिक्स मैच बाई मिला हुआ नहीं खेलेगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू खेलेगा तो ये सेवन्थ मैच हो गया मतलब फर्स्ट राउंड में सेवन मैच होंगे बाकी नौ बैठे हुए हैं अभी अच्छा उसके बाद जो है इधर आते हैं अब इसके बाद जो बाई इसको मिला था और ये जो इसका जो विनअप होगा यहाँ पे जो ये विनर होगा इन दोनों टीम का तो ये इसके बीच मैच होगा दैट विल बी नंबर ऑफ एट सिमिलरली ये फोर्थ नंबर जिसको बैठ मिला था वो और ये फोर और फाइव का जो विनर है वो खेलेंगे नाइन नंबर वो मैच होगा सिमिलरली टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन कितने मैच सेकेंड राउंड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक मैच होंगे फिर अब यहाँ देख लो और थर्ड राउंड में इसी तरीके से इसका जो विनर होगा इसका जो विनर होगा राइट right? और इसका जो विनर होगा ये दोनों जो आपस में खेलेंगे वो सिक्सटीन होगा सिमिलरली इसका विनर और इसका विनर ये दोनों विनर जो खेलेंगे सेवनटीन ये सब जो विनर होंगे वो आपस में खेलेंगे एक बार ठीक है ना वो वो खेल लेंगे तो वो जो टीम वो मैच आगे वाला वो खेल जो विनर होगा वही खेलता है है ना विनर फोर्थ राउंड सेमीफाइनल सेमीफाइनल है सेमीफाइनल में कितने टीम आते हैं चार देख लो चार है इसमें एक यहाँ का विनर है नंबर एक इस इन दोनों का जो विनर होगा एक टीम इन दोनों का विनर दूसरा टीम ये इन दोनों का विनर इन दोनों का विनर तीसरा टीम हुआ सेमीफाइनल में चार टीम होते हैं आप मैच खेलते ही हो आप सभी जानते हो सेमीफाइनल हुआ फाइनल में दो मैच तो ये जो फाइनल इसका जो विनर होगा ये सेमीफाइनल का विनर अपर हाफ का और लोअर हाफ का जो सेमीफाइनल का विनर फाइनल मैच सिर्फ राउंड में एक मैच होगा दैट विल बी फाइनल मैच और जो फाइनल होगा वही विनर होगा आई होप आपको फिक्सर जो है अगर लार्ज नंबर में टीम हो तो कैसे ड्रॉ करना है आपको अच्छे से समझ आ गया हो बाई हमने डिस्क्रिप्शन में मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि इसका पी और पीछे जो क्लास का है उसका हमने वो लिंक शेयर कर दिया आप वहाँ से उसे देख सकते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा